Okay, we will see how to Inventee organization setups, right? So guys, this is the basic setups for the Inventee modules, right? And you should know कैसे कैसे सेटअप होता है इन्वेंट्री का, और हम देखेंगे कैसे कैसे इन्वेंट्री डिफाइन होती है, राइट? जैसे अभी तक हम लोग M1 और M2 यूज करते थे, राइट? आज हम अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद का बनाएंगे, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? IMO भी बना सकते हैं, बट IMO हम वही ले लेंगे, सेम ही तरीके से बनता है। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है इन्वेंट्री सेटअप्स में, ये देखो कंसल्टेंट के काम है। अभी एंड यूजर के जो काम थे वो सब निकल गए, एंड यूजर के काम थे ट्रांजेक्शन करना, ये सब करना, वो सब करना, वो निकल गए। अब ये कंसल्टेंट के काम सब आप कर रहे हो, कल को आपको यही करवाया जाएगा, जैसे KFF, DFF, राइट? यूजर क्रिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटअप्स कॉन्फ़िगरेशंस, राइट? शुड नो द बेसिक सेटअप्स फॉर द इन्वेंट्री, ये जरूर पूछा जाएगा। इन्वेंट्री में बिना सेटअप्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, जरूर पूछेगा 100-200% आपसे। सो सेटअप्स के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें कैलेंडर डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है गैस, कि आपका जो ट्रांजेक्शन आप करते हो, जो एक पीरियड ओपन करते हो, राइट? तो उसमें प्लीज जूम योर स्क्रीन, इट्स ऑलरेडी जूम, राइट गैस? कैन यू सी माय स्क्रीन? इट इज जूम, राइट? ओके ओके। So basic setups for the inventory, right? The first one is the calendar, second one is the location, third one is the organization, fourth one is the sub-inventory, fifth one is the locator control is there, and one more functionality that is organization copy functionality, right? तो हम सबसे पहले आज calendar define करेंगे और फिर हम देखेंगे Samsung, right? ओके, सो हम हमारे कैलेंडर का नाम होगा डेल कैलेंडर, हमारे लोकेशन का नाम होगा डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली, मतलब डेल का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली में है, हो सकते हैं डेल के काफी सारे प्लांट हो, राइट? एक मिनट, कंट्रोल एफ रिप्लेस डेल। हो सकता है डेल का एक प्लांट दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक बैंगलोर में। चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने पहले भी बताया था, मास्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका फिजिकल प्रेजेंट नहीं रहता है, वो सिर्फ एज ए अम्ब्रेला, एज ए सैटेलाइट कनेक्ट करने के काम आती है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप्स में, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी एक्चुअल प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंट। अगर टाटा के 10 प्लांट है तो 10 जो फिजिकल प्रेजेंस है दैट कॉल्ड एज ए चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मटेरियल आता है और मटेरियल जाता है, गेट पे मटेरियल आ रहा है और वहां से जा रहा है, या कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है, वेयर हाउस भी हो सकता है, सब ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है? तो आज हमारे लोकेशन का नाम होगा डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली, और उसका हम एड्रेस देंगे। सपोज हमने एड्रेस दिया प्लॉट नंबर 105 इंडस्ट्रियल एरिया द्वारका दिल्ली, पिन कोड 11-20-17, ठीक है? हो सकता है गलत पिन कोड हो, बट उस पे मत जाना, हम ऐसे ही एड्रेस दे रहे हैं। लोकेशन मतलब उसका एक्चुअल एड्रेस, राइट? किस लोकेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे डेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली, ठीक है? उसके अंदर फिर हम सब इन्वेंटरीज बनाएंगे, RM, FG, इंजीनियरिंग स्टोर, स्क्रैप, SFG मतलब सेमी फिनिश गुड सब इन्वेंटरी, ठीक है? उसके बाद हम लोकेटर कंट्रोल बनाएंगे, डेल रो, डेल रैक, डेल बिन। रो रैक बिन बनाते हैं, तो हमने कहा कि कंपनी कह रही है भाई मेरे नाम से रो रैक बिन आने चाहिए, डेल रो, डेल रैक, डेल, ये सब रिक्वायरमेंट मेरी कंपनी ने दी है कि भाई इस नाम से मेरे ऑर्गेनाइज कैलेंडर का नाम हो, इस नाम से मेरा लोकेशन हो, एड्रेस है ये मेरा। ये सब कौन देगा? बिजनेस देगा आपको। कौन देगा? बिजनेस। आप एज ए कंसल्टेंट यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन गाइस, ऑलवेज रिमेंबर। कंसल्टेंट का जॉब क्या होता है? ही और सी एज ए एडवाइजर ओनली। He can guide on the functionality, but he cannot take any decision. Every decision will come from the business side.
बिजनेस मतलब आपका मैनेजमेंट बताएगा जिस क्लाइंट के आप ईआरपी लगा रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट, दे विल टेक द कॉल. फाइनल फाइनल कॉल कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा, ठीक है. सो नो नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग्स कि क्या होगा, क्या नाम, डेल की जगह हो सकता है, एलजी हो, सैमसंग हो, कुछ भी हो सकता है, राइट. आपको उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, सो वी हैव, ऐसे ही काम किया करो आप लोग, जैसे मैं करता हूँ एक्सेल में करा. थोड़ा सा शुरुआत में टफ लगता है, बट एक बार जब आपकी ऑर्गेनाइज हैबिट्स बन जाती हैं, सो दैट इज वेरी फ्रूटफुल, राइट. और हैबिट्स ही आपको आपका आगे का कैरियर का कैरेक्टर बनाती हैं, कैसा आपका आगे फ्यूचर होगा, राइट. अगर आपने हैबिट्स अच्छी बना ली तो इट विल हेल्प यू लॉट. अगर आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन नहीं है, इनडिसिप्लिन है, तो दैट विल मेक यू वर्स्ट ऑल्सो. ओके, सो लेट मी जंप ऑन सिस्टम. ओके, लॉग इन टू ईआरपी. प्रैक्टिस आप जितनी कर लो उतनी, संडे तक मुझे एनी हाउ परसों तक इन्वेंटरी खत्म चाहिए. मुझे परचेसिंग पढ़ा के 25 से 28 के बीच में आप लोग को इंटरव्यू दिलाना है. आई नीड एवरी वन सिलेक्शन बिफोर 10th of August. तो इसलिए आप लोग जितना ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, आई मीन जितना भी टाइम को उतना यूटिलाइज कर सकते हो करो. और एक अंदर से आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आई नीड ए डिसेंट जॉब बिफोर 10th of August. 15 अगस्त के पहले पहले मुझे एक डिसेंट जॉब का ऑफर्स होना चाहिए. तो एटलीस्ट एक एक ऑफर तो ले लो 15 के पहले, ऐसा आपका होना चाहिए. और गैस एवरीथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आपको लगे कि दैट इज इम्पॉसिबल समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, जस्ट सेइंग आई एम पॉसिबल, राइट. ओके, सो गो टू द सेटअप्स. सो फर्स्ट वी डिफाइन द कैलेंडर. गो टू द ऑर्गेनाइजेशंस, गो टू द कैलेंडर. ओके, सो सबसे पहले हम विजन का कैलेंडर देख लेते हैं. तो FN F11 VIS % विजन का कैलेंडर मतलब जो ओरेकल ने सीडेट दिया हुआ है. कंट्रोल FN F11. जब भी आप किसी भी कंपनी में ओरेकल लगाने जाओगे तो आपको जो वेनिला इंस्टेंस मिलता है, वेनिला इंस्टेंस मतलब जब वो लाइसेंस खरीदती है कंपनी ओरेकल का, तो उस इंस्टेंस को बोलते हैं वेनिला इंस्टेंस. उसमें कुछ भी डेटा नहीं होता, मतलब कोई भी कस्टमर सप्लायर ये सब नहीं होगा, बट ओरेकल का सेटअप हुआ रहेगा, विजन का सेटअप उसमें हुआ रहता है. तो आपको जहां पे भी दिक्कत आए, यू कैन जस्ट सर्च एज ए विजन सेटअप देयर एंड यू विल गेट मोर क्लियरिटी देयर, ठीक है. तो जैसे मैंने ये देखा, विजन का मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है. सॉरी, कंट्रोल FN F11 VIS. विजन परसेंटेज, हाँ ये विजन का कैलेंडर डिफाइन है. तो कैसे डिफाइन किया? नेम आ गया, उसने नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्वार्टरली टाइप 4-4-5 और 5-5. तो इसमें क्या करना है आपको? 4-4 मतलब आपका वीक्स, आप कैलेंडर मंथ्स ले रहे हो या 4-4-5 वाला ले रहे हो, 4-5-4-4 वाला ले रहे हो, मतलब किसी महीने में हमारे 4-4 वीक्स रहते हैं, किसी में 5 वीक्स रहते हैं. तो हमने क्वार्टरली 4-4-5 वाला लिया. और ऑलवेज देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज स्टार्ट योर कैलेंडर फ्रॉम मंडे, ठीक है. ऑलवेज स्टार्ट योर कैलेंडर फ्रॉम मंडे. ऐसा ना आप सैटरडे शुरू करें, ट्यूजडे, वो भी हो जाएगा, बट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड वे, राइट. यू स्टार्ट योर डे, स्टार्ट योर कैलेंडर एवरी टाइम फ्रॉम मंडे. देखो ये DFF का ऑप्शन दिया है, यू कैन ओपन द DFF ऑल्सो यार. इफ यू इफ क्लाइंट वॉन्ट टू सम क्लाइंट वॉन्ट टू एड सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज, सो यू कैन यूज दिस DFF. देखो सिम्बॉल दिख रहा है, यू कैन ओपन द DFF एंड यू कैन यूटिलाइज, राइट. दिस इज क्लियर. You should start from Monday, okay? Workday pattern, आपका workday pattern कैसा है? 5-day working है, 2 days off है, और 6-day working है, 1 day off है. तो इसने देखा 5 day on, 2 days off, working weeks है. जैसे Monday to Friday working है, Saturday Sunday off है, तो उसने 2 दिन off रख दिया. अगर आपका Monday to Saturday working है, तो you will keep here 6 days on, 1 day off. Clear guys? Guys clear? Yes, hello. Sir. समझ में आ रहा है कि yes, मैं कुछ ज्यादा? यस सर, यस सर, बिल्कुल सिंपल है. 10th लेवल का ब्रेन है यार इसमें, ठीक है. 5 days on 2 days off, राइट. क्लोज दिस वन, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम बनाते हैं.
शिफ्ट क्या है आपकी, नॉर्मल शिफ्ट है इसमें, देखो इसने कहा एक नॉर्मल डेली शिफ्ट है, नॉर्मल नाइट शिफ्ट है, नॉर्मल आपकी सपोज शिफ्ट क्या है नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल डेली शिफ्ट इसकी टाइमिंग क्या है, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, ठीक है। नॉर्मल नाइट शिफ्ट की टाइमिंग क्या है इसकी, दोपहर में 3 बजे से रात 11 बजे तक, ठीक है। ये सब शिफ्ट आपने किया है कभी, एनी वन वर्क ऑन द शिफ्ट रात में 11 से सुबह 7 बजे? यस सर। किसी ने किया है, एनी वन, कैन यू प्लीज रेज द हैंड, हु हैज डन द शिफ्ट इन देयर लाइफ, इन देयर कैरियर? यस, आई ऑल्सो डन इट, आई ऑल्सो डन इट गाइस, ए बी सी एवरी टाइम। Okay, so 16 hour shift, evening shift, like this you can create it, okay? Dates, इस पे क्लिक करते हैं, dates. ये देखो, Monday to Friday आपका black दिख रहा है, मतलब days on, दिख रहा है ये days on. Saturday, Sunday off है, क्योंकि हमारा जो working pattern है, 5 day रखा है इसमें, 2 days off. तो Saturday, Sunday off है, clear? Exception on क्या होता है? Exception on होता है, suppose 13th को मेरी company का वो होता है फाउंडेशन डे, राइट, तो आप उस दिन ऑफ करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर उस दिन का आपने यहाँ पे एक्सेप्शन ऑन किया, यहाँ टाइम डाल दिया सुबह 10 से लेके रात 11 बजे तक प्लांट बंद है, स्टार्ट और ऑन टाइम डाल दोगे तो एक्सेप्शन ऑन हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ करना है तो ये कर दो, ठीक है। डेज ऑन डेज ऑफ सब दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर यार, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट द कैलेंडर, इससे थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। चेंज कुछ नहीं करोगे स्टार्टिंग वाले सेटअप्स में, हम नया बनाएंगे, ओके। मैंने डाला डेल, सी ए एल, डेल कैलेंडर, राइट, फोर फोर फाइव मैंने लिया मंडे से, और मैंने लिया सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। वर्क डे पैटर्न मैंने कहा, मेरा वर्क डे पैटर्न क्या है, 5 days ऑन 2 days ऑफ, ठीक है, वर्किंग पैटर्न। क्लियर, सेव कर दो, ये क्या आ रहा है यार, व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर, शिफ्ट में गए ये शिफ्ट, ये शिफ्ट इसका टाइम दिया मैंने 7 से 15, why is this error is coming, ek minute yaar, ye why this error is coming,
अरे यार ये एरर क्यों आ रहा है? माय गॉड गाइस, हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर, एक्चुअली द सम इश्यू इन द सिस्टम राइट, सो वी नीड टू चेक विद पवन. आई नीड टू चेक इट विद पवन बिकॉज विदाउट दैट आई थिंक सम फॉर्म फंक्शंस गेटिंग एरर एंड विदाउट दैट वी कैन नॉट गो हैड. I just drop any message to the Pawan and tag him. He need to check it with her because without that we cannot go ahead. If we cannot create calendar, we cannot go ahead for. Continue showing error. Let me check the with Pawan why it is showing error. Then we can only go ahead. Otherwise, you will also face issue and you will frustrated. And I don't want. Tomorrow is your holiday, guys? No, sir. No, sir. So, शाम को कितने बजे आप लोग निकल आते हो? चलो एक सर, काम करो. 7:30 बजे तक आ जाते हैं. 7:30. एक काम करो, सिस्टम का सिस्टम में तो अभी नहीं कर पाएंगे, कुछ एरर आ रहा है. मुझे एक बार चेक करने दो. आज आप लोग क्या करोगे, बेसिक सेटअप्स का पूरा ये डेफिनेशंस लिख लोगे राइट, ऐसे ही पूरा एज इट इज. कैलेंडर डिफाइन करते हैं, डेल कैलेंडर आप अपने नाम से रख लेना, कोई और कंपनी का नाम से. फिर लोकेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर सब इन्वेंट्रीज, फिर लोकेटर, और एक फंक्शनैलिटीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन कॉपी फंक्शनैलिटी. इससे एक ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कैलकुलेट इट, कॉपी बना सकते हो. ठीक है, कल हम फिर इसको देखेंगे क्योंकि मुझे एक बार सिस्टम पे करना है और सिस्टम पे एरर आ रहा है. एंड विदाउट फिक्सिंग दैट इशू वी कैन नॉट गो एट. वो फॉर्म फंक्शन का टेक्निकल इशू है, दैट इज नॉट ए फंक्शनल इशू. सो वी नीड टू चेक इट राइट. हेलो, ओके सर. ठीक है, तो आज आप मुझे अभी क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी. लेट मी कनेक्ट विथ पवन ऑफलाइन. मैंने उसको मैसेज किया है और मैं एक बार फोन करके उसको बोलता हूँ कि इसको प्रायोरिटी पे फिक्स करो बिकॉज इट्स हैम्परिंग द क्लास डिलीवरेबल्स पार्ट राइट. और आप लोग भी एक बार पवन को टैग करके डाल दो और पवन को फोन करके पूछो. आपको दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो राइट. गो टू द सेटअप्स, कैलेंडर पे जाना और यहाँ पे डिफाइन करके आप दिखा सकते हो व्हाट इश्यू यू आर फेसिंग राइट, जो मैंने अभी करके दिखाया है. वैसे तो मैं खुद ही उसके टच में रहूंगा, एक बार मैं फिक्स कराता हूँ. ठीक है, सो आई नीड टू कैंसिल दिस कॉल्स. अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम इज नॉट वर्किंग, वी कैन नॉट गो अहेड. ओके ओके ठीक है. तो आप लोग मीन वाइल जितना मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ये सेटअप्स बताएं, ये नोट्स में लिख लोगे और एक एक मैनुअली आप लोग सब पढ़ लेना. सिस्टम पे जब हम करें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए. ठीक है, आदित, व्हाई आर यू रेजिंग हैंड? ठीक है, आई विल सेंड दिस रिकॉर्डिंग, लेट मी कनेक्ट विद पवन ऑफलाइन. ओके बाय, टेक केयर.